दोस्तों 2024 का इलेक्शन आने वाला है और अगर अभी तक आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है जिससे आपकी वोट डालते हो और आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ऑनलाइन आप वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हो और आपका वोटर आईडी कार्ड जो है घर पर बन के आ जाएगा। वोटर आईडी कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है, आप सबको पता है, इससे हम वोट देते हैं और ये एक नागरिकता का पहचान भी होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आधार कार्ड जो है हर जगह नहीं चलता है, आधार कार्ड जो है सिर्फ पहचान के लिए होता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो हमारी नागरिकता का पहचान होता है कि हम कहाँ के प्रॉपर निवासी है सारी चीज़ें। तो अगर आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पर बने रहें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर और आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि वोटर आईडी कार्ड आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप लोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन होगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो अगर आप पहली बार इसको साइन इन कर रहे हैं तो इसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालोगे। OTP डालने के बाद सिंपली आपको एक लॉग इन करना है। जैसे आप सारा कुछ डाल लोगे तो आपका जो है इस वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आपका एक ये अकाउंट बन जाएगा, ताकि बाद में जब आप इसका अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करो या डाउनलोड करना चाहो तो आप इस आईडी और पासपोर्ट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर OTP के लिए अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर जो है हमारे फ़ोन में जो है वो OTP आ चुका है। और यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पर OTP डाल लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे यहाँ पर क्या प्रोसेस आता है। तो यहाँ पर जैसे आप OTP डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पर जो है आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब यहाँ पर आपको उसी जो भी आपने अभी आईडी पासवर्ड बनाया है वो मोबाइल नंबर और वो पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। फिर से आप जैसे ये सारी चीज़ें डालोगे तो फिर से आपको एक OTP मांगेगा वेरीफाई करने के लिए। तो फिर से आपको जो है ये यहाँ पर जो है OTP को एंटर कर लेना है और उसके बाद जो है आप जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे, चलिए यहाँ पर पहले OTP डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप OTP यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन में OTP आएगा वो आपको अच्छे से डाल लेना है। जैसे कि मेरे केस में है, कभी लेट और कभी ज़्यादा OTP आता रहता है, ये सबको पता है। जैसे यहाँ पर OTP आ गया, अब यहाँ पर देखिए OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हो वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर सर्विस, वोटर कार्ड डाउनलोड, यहाँ पर सारी सर्विसेज यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आपका कोई नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका कोई वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है और आप उसको सही कराना चाहते हो तो यहाँ से आप वो भी करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँगा, नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करके दिखाऊँगा, तो यहाँ पर वीडियो पर बने रहें। जैसे आप यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ फॉर्म आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो है जिसका जिसको नया बनाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए है, और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो करेक्शन करना है, अगर कुछ चेंज कराने हैं, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उस पर फॉर्म 8 नंबर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे है 68, अगर आपको आधार से लिंक करना है, पहले आपका बना हुआ है तो आप यहां से वो कर सकते हो। तो सारा ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैं अभी जो है आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं, नया वोटर आईडी कार्ड बना के दिखाने वाला हूं। तो सिंपली हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यस आई एम अप्लाई द फॉर फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार कर रहे हो या आपका पहले से है तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यस अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम पर क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके पास जो आपकी स्टेट आ जाएगी, आपको अपने हिसाब से अपना स्टेट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ज़िला चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो वोटर आईडी कार्ड का असेंबली है, जो आपका तहसील पड़ता है, आपको वो चूज़ कर लेनी है। तो ये सारे चीज़ चूज़ करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है।
तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, उस हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं पैन कार्ड देने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करोगे, फिर आपको अपने पैन कार्ड की एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जो है पैन कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं गैलरी में और यहाँ पर जो है पैन कार्ड हमने अपलोड कर लिया है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको जो है एक फ़ोटो लोड करनी होगी जो कि आपके प्रोफाइल, जो आप वोटर आईडी कार्ड बनाओगे उसके ऊपर लगाने के लिए। तो ये भी फ़ोटो जो है आपको 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और या 2 MB से ज़्यादा, सॉरी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आप पैन कार्ड के उसमें था। तो वो भी आपको अपने फ़ोटो को क्रॉप करके या फिर फ़ोटो का साइज़ कम करके यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे तो आपका फ़ोटो भी जो है अपलोड हो जाएगा। पहले आपको फ़ोटो सारी चीज़ें तैयार करके पहले से रखना होगा, तब आपको आगे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हो हमने फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोड कर ली है। यहाँ पर जिसका भी बना रहे हो, यहाँ पर मेल फीमेल यहाँ पर आपको चूज़ कर लेनी है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अपना जो है यहाँ पर जनरल भी चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको जो है आपकी पूरी डिटेल एक बार अच्छे से डाल लेना है। तो यहाँ पर नीचे भी आपका आधार कार्ड मांगेगा, तो वो भी आपको अच्छे से डाल लेनी है। उसके बाद सारा कुछ डालने के बाद जो है आप सीधा जब नीचे आओगे तो आपको जो है एक कोई भी रिलेटिव का वो देना पड़ेगा नाम, और चाहे तो आप फादर, मदर, हस्बैंड किसी का भी दे सकते हो। गार्जियन के तौर पर आप किसका देना चाहते हो वो आपके हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर मैं इनका हस्बैंड का दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है अभी इनके पूरे हस्बैंड का नाम डाल देता हूँ और रिलेशन में वो जो भी आप डालोगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके चाहे फादर, हस्बैंड, मदर किसी का भी आप यहां पर डाल सकते हो। और ये डालना कंपलसरी है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो इसके बाद आपका नेक्स्ट सेटअप जो है वो नहीं आएगा। तो यहां पर देख सकते हो जैसे मैं डालता हूं, अगर आप इंग्लिश में डालोगे तो नीचे कॉलम में वो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं भी आप इसमें फॉर्म भरोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हिंदी में आ जाता है। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एड्रेस डालने के लिए। एड्रेस सारा कुछ डालने के बाद जो है लास्ट कॉलम आता है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है किसी और का, जैसे आपके फैमिली में चाहे फादर, मदर, हस्बैंड किसी का भी बना है, वो आपको यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हो। अगर नहीं डाल सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डाल देते हो तो अच्छा रहता है ये, ताकि वो उसे वेरीफाई कर लेता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। तो सारा कुछ यहाँ पर करने के बाद जो है लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन आएंगे वेरीफाई करने के लिए, आपका स्टेट, आपका जिला और आपकी तहसील। तो वो आप यहाँ पर अच्छे से डाल लोगे, आपके विलेज वगैरह सारा कुछ आपको देख लेना है। जैसे आप ये कर लोगे, यहाँ पर देखिए मेरे कंडीशन में जो है यहाँ पर विलेज लास्ट में मिसिंग हो गया तो लास्ट में ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ। और इस तरह से आप भी अपना सारा कुछ चूज करके डाल सकते हो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए एक बार ये बनता है, फिर अगर जल्दी से ये सुधार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आधार कार्ड वगैरह तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में जो है काफ़ी समय लग जाता है। तो ये चीज़ों को आपको जब फर्स्ट टाइम भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको अच्छे से सारा कुछ भरना है, कहीं भी आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में ये पूरा फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पर जो है इस एड्रेस पे, जो भी एड्रेस आपने डाला है उस पे आप कितने साल से रह रहे हो, चाहे वहाँ पर आप पैदा हुए हो या काफ़ी, या कहीं, कई लोग होते हैं कि कहीं किराए पे रहते हैं या कहीं अदर स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर मंगवाना चाहते हैं तो वहाँ कितने दिन से रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल लिया जाता है। तो यहाँ पर वो डाल सकते हो कि कितने दिन से आप वहाँ रह रहे हो। अगर आप वहाँ पर पैदा ही हुए हो तो वहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, उतने दिन से हम वहाँ पर हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद आपको जहाँ पर आप, जहाँ से आपने ये अप्लाई किया है प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, तो वहाँ का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वहाँ पर आपको ऐसे नाम डाल देना है। और उसके बाद जैसे सारा कुछ एक बार आपको चेक कर लेनी है कि कहीं भी आपने कोई दिक्कत नहीं किया है। उसके बाद जो है सिंपली आपको जो है यहाँ पर डन कर देना है। जैसे आप डन करोगे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने अभी तक पूरी एप्लीकेशन में भरा है, इस पूरी डिटेल को आपको अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपने जो भी भरा है सारी डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी जिले, सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है सारा कुछ दिख जाएगा।
तो ये आप सारा कुछ करके यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ये सारा कंफर्म पर क्लिक कर दोगे, उसके पास जो उसके बाद जो है जो आपका ये वोटर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस आईडी दी दी जाएगी और इस रेफरेंस आईडी से आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हो और इससे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सिंपली इस ऐप में आ जाना है, दोबारा से आपको लॉगिन करना है, उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन के सर्विस पर क्लिक करोगे तो उसके पास आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको सर्च बार में क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आप का जो पहले से रजिस्ट्रेशन आपने जो किया हुआ है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वो आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख जाएगा और वहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको आ जाता हूँ वोटर रजिस्ट्रेशन के कॉलम पे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है आपने पहले से अप्लाई किया हुआ होगा, तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपका जो रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जैसे क्लिक करोगे ऊपर में ये आ जाएगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर जो भी आपने स्टेट भरा होगा वो क्लिक यहाँ पर डालोगे, फिर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करोगे तो आपका ये सारा जो स्टेटस दिख जाएगा, जो आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। देखिए मैंने कब अप्लाई किया, सारी डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। बीएलओ अपॉइंटमेंट करेगा, उसके बाद वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो में कमेंट जरूर